हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग इस तरह के आपके 15 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका MPGK का 16वां मॉक टेस्ट है। कौन सा? 16वां। याद रखिए, अगर आप लोगों ने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को अच्छे तरह से चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसे पहले पढ़ लें। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको फायदा भी होगा और आपकी क्षमता का भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर जा पहुंची है। और हमारी तरफ से भी आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूरा कवर किया गया है और ये आपकी 17 घंटे की करीब क्लास है जो सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें आपकी 17 घंटे की क्लास डली हुई है। ठीक है, एक ही क्लास में आपका पूरा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर किया गया। उसे कवर करने के बाद आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर चाहे वो MPPSC हो फिर चाहे कोई भी स्टेट आपका एग्जाम हो, तो उसे वहां जाकर देख लें। चलिए, तो 16वें क्वेश्चन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसमें आपको बता देना है NH3 आगरा से बॉम्बे, आगरा ग्वालियर देवास बॉम्बे, इस तरह से जाता है। तो क्वेश्चन नंबर एक में क्या होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो आपको पता होगा 20। क्वेश्चन नंबर दो में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है आपका क्वेश्चन तीन, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड कब गठित किया गया। जो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपकी 2004 में हुई थी। कब? 2004 में। क्वेश्चन है हमारा चार, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो यह आपका NH76 यानी कि NH76। क्वेश्चन नंबर चार में आपका बी ऑप्शन सही है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यानी कि लंबाई में सर्वाधिक NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग है और सबसे छोटा NH76। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम सड़कें हैं, मध्य प्रदेश यानी कि MP के किस जिले में सबसे कम सड़कें हैं। तो ये आपका जिला झाबुआ। क्वेश्चन नंबर पांच में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है छठवा, NH69A राज्य में कहाँ से होकर गुजरता है, ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH69A आपका बैतूल से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर छठवे में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा सात, राज्य में कुल सड़कों का कितना प्रतिशत भाग राष्ट्रीय राजमार्ग का है। राज्य में कुल सड़कों का कितना प्रतिशत भाग राष्ट्रीय राजमार्ग का है। तो ये आपका है 5.30%, 5.30%। क्वेश्चन नंबर सात में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारा आठ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत आपकी सन 2000 में हुई थी। कब? वर्ष 2000 में। तो क्वेश्चन नंबर आठ में क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन है आपका नौ, डीजल लोको शेड कहाँ स्थित है, डीजल लोको शेड कहाँ स्थित है। तो ये आपका कटनी में है। कहाँ है? कटनी में।
क्वेश्चन है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहाँ है? तो ये आपका भोपाल में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। राज्य में वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ है? तो ये आपका सतना में है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है आपका 12, पश्चिम मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपका जबलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है आपका 13, निम्नलिखित नगरों में से कहाँ हवाई अड्डा नहीं है? जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कहाँ हवाई अड्डा नहीं है? तो ग्वालियर में आपका है, खजुराहो में आपका है, जबलपुर में भी है, लेकिन रतलाम में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 14, निम्न में से कहाँ दुमना हवाई अड्डा है? ये आपका जबलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा 15, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कहाँ से कहाँ तक जाता है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो याद रखना, आगरा से शुरू होता है और मुंबई तक जाता है, मध्य प्रदेश से होते हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन है हमारा 16, मध्य प्रदेश में राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी 48। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या होगा? सी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है 17, ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की प्रथम ट्रेन कौन सी है? तो ये आपकी भोपाल एक्सप्रेस है। क्वेश्चन 17 में आपका ए होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन है 18, ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो याद रखना, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली प्रथम देश की प्रथम ट्रेन कौन है? भोपाल एक्सप्रेस, याद रखना। और ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो 18 में आपका ए। उन्नीस, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा रेलवे जोन नहीं आता है? मध्य प्रदेश MP के अंतर्गत कौन सा रेलवे जोन नहीं आता है? तो ये आपका उत्तरी रेलवे नहीं आता है, मध्य रेलवे आता है, दक्षिण पूर्वी रेलवे आता है, पश्चिमी रेलवे आता है, लेकिन उत्तर उत्तरी रेलवे नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ए है। 20, क्वेश्चन नंबर 20, मुख्यमंत्री जन कल्याण जन संकल्प योजना का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री जन संकल्प योजना का संबंध किससे है? तो ये आपका सड़कों के निर्माण से है। किससे? सड़कों के निर्माण से। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ए होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 21, किसी राष्ट्रीय उद्यान में हवाई अड्डा हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है? किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है? तो ये आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। 21 में आपका सी। 21 में क्या होगा? सी। क्वेश्चन
क्वेश्चन है हमारा 22। मध्य प्रदेश में डीजल इंजन संयंत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में डीजल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? ये आपका इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ए है। 23, मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरता है? क्या पूछ रहा है? नहीं गुजरता है, ग्वालियर से नहीं गुजरता है, ऐसे पुरी से गुजरता है, गुना से, झाबुआ से। तो इसमें क्या होगा 23 में? 23 में होगा आपका ए, ग्वालियर से नहीं जाता है। क्वेश्चन है हमारा 24, मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण किस की मदद से किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, एक किसकी मदद से किया जा रहा है? एशियन विकास बैंक से ऋण प्राप्त द्वारा, सही है, बॉन्ड BOT से, ये भी सही है, केंद्रीय सहायता एवं मंडी सड़क निधि से, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा 24 में? डी, 24 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो यह था आपका 16वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 17वें टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है।